चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग लाइन से सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। अ पर्सन बायस 120 शेयर्स एट अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ रुपीज 40 ईच। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू दी हुई है हमें, नंबर ऑफ शेयर्स दिए हैं, विच ही सेल्स एट रुपीज 42.50 ईच। उसको बेच रहा है तो 42.50 में बेच रहे हैं। फाइंड हिज प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, हमें प्रॉफिट देखना है कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ खरीदने और बेचने के बीच में, जितने पे खरीदा और जितने पे बेचा। तो ठीक है, हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पता हैं, बुक को साइड में रखते हैं। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ शेयर्स पता है, नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू 120 है। नॉमिनल वैल्यू पता है, नॉमिनल वैल्यू इक्वल टू रुपीज 40। प्रॉफिट हम ये यहाँ से निकाल सकते हैं, प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको, प्रॉफिट एट ईच शेयर। उसने 40 में ख़रीदा है और 42.50 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट निकाल लेंगे 42.50 - 42, तो उसे 2.5 रुपये का पर शेयर प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड हिज प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा, एक शेयर पर प्रॉफिट उसको 2.50 रुपीज़ का हो रहा है, उसके पे शेयर हैं 120, तो मल्टीप्लाई बाय 2.50। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 300, उसको 300 रुपये का सिर्फ ख़रीदने और बेचने के बीच में प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, एक चीज़ तो प्रॉफिट जो क्वेश्चन में पूछा था, एक आंसर आपको ये मिल गया। अब दूसरा वो पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे हम पहले निकाल लेंगे कि टोटल इतने शेयर, 120 शेयर खरीदने में उसके कितने पैसे लगे। तो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इक्वल टू हो जाएगा 40 रुपये का था और 120 उसने शेयर खरीदे थे, तो ये हमारा हो जाएगा 4800, इतना पैसा उसने लगाया। और परसेंट का फॉर्मूला हमें पता है कि प्रॉफिट परसेंट कितना होता है, इनकम डिवाइड बाई इन्वेस्टमेंट इनटू 100%। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट और दूसरा टर्म इसका इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100%। तो वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, प्रॉफिट हमें 300 रुपीज़ का हुआ है, हमने पैसे इसमें लगाए थे 4800 इंटू 100%, ये कैंसिल हो गए, तो 300/48 इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा रखने का, डिवाइड करते हैं 300 6 6 से करते हैं 2 टाइम्स जाएगा 96, यहाँ पे आएगा आपका 24 0, ये 5 टाइम्स जाएगा, तो हमारा ये आया 6.25%। उसको 6.2% का प्रॉफिट हुआ और यही हमारा आंसर हो गया जो क्वेश्चन।